मनी, मैं मौजूद हूँ जौहर चौरंगी वाले टीडीसी के दस्तरखान पर और इस वक्त आज सातवीं शहरी की तैयारी हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से शहरी तैयार करके यहाँ से लोगों के घरों पर जा रही है। देखिए इसको पूरा बंद किया हुआ है, नेट लगा के चारों तरफ से बाहर से। ये यहाँ पर सब्जियाँ उतरी हुई हैं सारी और लिस्टें तैयार हो रही हैं यहाँ पर किन इलाकों में जाएगा। ये सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सालन पैक हो रहा है थैलियों में और दाल पैक हो रही है। और भाई वो सालन की थैली उठाओगे, कौन सा सालन है ये? बैंगन आलू का। अच्छा, बैंगन आलू का सालन है और ये किचन यहीं पर ही है, लेकिन ये चूंकि लॉकडाउन की सूरत हाल है इसलिए यहाँ पर इसको चारों तरफ से बंद किया हुआ है हरा नेट लगा के। और यहाँ पर इस तरीके से खाना तैयार हो रहा है और ये सारी सब्जियाँ मौजूद हैं और कोशिश यही है कि ये जितना भी खाना है ये लोगों के घरों पर रोजाना जा रहा है शहरी। और ये इसी तरह से जितनी भी जगह हैं, चाहे वो नुमाइश चौरंगी वाला हो, चाहे एक्सपो सेंटर वाला हो दस्तरखान, चाहे वो फेडरल एरिया के ऑफिस से तैयार हो रहा हो, ये तमाम राशन जो है इसी तरीके से पैक होकर लोगों के घरों पे जा रहा है और इसी तरह से शहरी अफ्तारी भी जारी लोगों के घरों पे ताकि वो शहरी कर रोज़ा रख सकें। आप अपनी जानिब से, अपने मरूमिन की जानिब से जैसे शहरी और अफ्तारी में हिस्सा ले रहे हैं इसी तरह लेते रहिए। और ये तमाम जगहें जो हैं आप लोगों के ताउन से बहुत स्पीड में खाना तैयार करी। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भी तंदूर वगैरह सब वैसे ही पूरा दिन काम कर रहा होता है, यहीं सारी रोटियाँ बनती हैं, सारा सिलसिला यहीं होता है। और एक और बात बता दूं, ये दस्तरखान सारा साल काम कर रहा है, सालों से ये दस्तरखान काम कर रहा है और बिला तफरीके रंगो नस्ल लोगों को यहाँ से खाना फराहम किया जाता है। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा इन वीडियोज़ को भी लाजमी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।